इंडस्ट्री में देखा जाए तो अपने आप में ही नाइटिंगेल लता मंगेशकर के बारे में हर कोई जानता है कि वो कैसी एक कलाकार रही हैं, स्वर कोकिला जिन्हें कहा गया, जिन्होंने भारत देश में हजारों गानों को अपनी आवाज दी, अलग अलग विभिन्न प्रकार के भाषाओं को अपनी आवाज दी। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं लता, जिन्हें सुरों की रागनी और सुरों की मल्लिका और सुरों का ताज अपने सिर पर सजाकर हमेशा घूमने वाली सबसे बड़ी गायिका कहा गया है। भारत देश में भारत रत्न लता को कहा गया। वही लता की स्थिति अभी बहुत ही खतरनाक बीमारी की वजह से परेशानी में है, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी कोरोना तो है ही, साथ में हो गई है ऐसी बीमारी जो कि उनकी उम्र के हिसाब से उन पर खतरा बनकर उनकी जिंदगी पर मंडरा रही है। क्या है रिपोर्ट कह रही उनकी बीमारी को लेकर, जानिए हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की सेहत को देखते हुए लोगों की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि स्वर कोकिला लता मंगेशकर की सेहत में सुधार हो लोग यही देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। 6 दिन गुजर गया है लेकिन पूरी तरह से उनकी सेहत में कोई सुधार अभी भी नहीं है। वजह इसकी बड़ी बताई जा रही है निमोनिया। आमतौर पर निमोनिया का इलाज तो भारत देश में काफ़ी समय से चल रहा है लोगों का, लेकिन निमोनिया के इलाज बुढ़ापे में किसी भी व्यक्ति पर इतना आसान नहीं होता है करना। खतरनाक बन जाती है ये बीमारी। अगर दो दो बीमारियों का एक साथ एक शरीर में आ जाना एक समय जो है सो मुमकिन हो, और ऐसा लता मंगेशकर के साथ 92 की उम्र में हो गया है। बहुत ही बुरी खबर है, एक साथ बीमारियां हो गई है लता को, कोरोना वायरस और फिर निमोनिया। इस कारण इस खतरनाक बीमारी से लता मंगेशकर पीड़ित है, जिसका इलाज ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका चल रहा है। परिवार भी उनके साथ इस वक्त ऐसी मुश्किल घड़ी में खड़ा नहीं है, क्योंकि परिवार वाले खड़े भी कैसे रहेंगे। सब जानते हैं कि परिवार वालों की चिंता जो है काफ़ी बड़ी इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है सो लोग उनके साथ खड़े नहीं रह सकते हैं। यहाँ आपको हम बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से सोशल मीडिया पर शोज़ को लेकर चर्चा रहती है, और लता मंगेशकर के शोज़ तो कई सालों से देखने को नहीं मिले। 2 साल से वो घर में बंद ही थी, कोरोना के डर से ही उन्हें घर में रखा गया था। अब लता मंगेशकर की पूरी हेल्थ रिपोर्ट जो डॉक्टर ने दी है उसकी बात करते हैं। उषा मंगेशकर ने बताया कि डॉक्टरों ने मिलने से मना किया गया है क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट पर लता है और कोविड वार्ड में किसी को भी आने का अलाउंस नहीं है, परिवार वालों को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अब बात की जाए इसके अलावा लता मंगेशकर के आईसीयू में रहने को लेकर, तो सेहत में सुधार हो इसीलिए उन्हें आईसीयू से बाहर नहीं निकाला गया। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो जब तक उनका पूरा रिकवर होना तय नहीं होता, जब तक उनका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आता है तब तक उन्हें कोविड के आईसीयू वार्ड में ही रखा जाएगा। छुट्टी उन्हें अभी नहीं मिलेगी ये तय है, क्योंकि उन्हें वक्त लगेगा। डॉक्टर ने अब क्लियर कर दिया है कि उनके हेल्थ रिपोर्ट कह रही है कि उन्हें ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। अब ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं होने की वजह से लता मंगेशकर जो कि परेशान है उनके बारे में ये बताया जा रहा है। जिस तरह से निमोनिया से पीड़ित है लता मंगेशकर, इसके बारे में बताया जाता है कि परिवार वालों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई नज़रअंदाजी तो ज़रूर की। इसके सिम्टम्स होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। बता दें कि जिस बीमारी से पीड़ित थी लता, उनके सिम्टम्स कुछ ऐसे ही थे। जी हाँ, फीवर होना, सांस लेने में दिक्कत होना। तो आपको बता दें कि सांस लेने में दिक्कत लता मंगेशकर को पहले भी हुआ। साल 2019 में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, 1 महीने वो आईसीयू में रही थी क्योंकि सांस लेने में उन्हें दिक्कत थी। उनके लंग में इन्फेक्शन की वजह से सीने में दर्द उन्हें उठा था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। फिर से उन्हें उनके सीने में दर्द और उनको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़े, तो वाकई में परिवार और फैंस चिंतित तो होंगे। अभिषेक बच्चन से लेकर अभी तक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मधुर भंडारकर लता की सेहत को लेकर कई बार चिंता जाहिर करते हुए नजर आ चुके हैं और ऐसे में प्रकाश जावड़ेकर भी लता की सेहत को लेकर दुआएं कर चुके हैं। तो लता मंगेशकर की सेहत सबके लिए मायने रखती है, ऐसे में लता की सेहत में इस तरह से अचानक से देखा जाए नाजुक स्थिति सामने आ जाए तो लोग तो चिंतित होंगे। यहाँ आपको हमारे इस रिपोर्ट में अब एक बार फिर से ये बताना चाहेंगे लता मंगेशकर को लेकर कि लता मंगेशकर का निमोनिया नहीं होने की वजह से कोरोना उनका और ख़तरनाक हो गया है। कोरोना की वजह से आपको पता ही होगा, रिपोर्ट भी कहती है कि और बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है क्योंकि इम्यून बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि दर्द जो है काफ़ी ज़्यादा सीने में ही लता मंगेशकर को है और ये काफ़ी ख़तरनाक भी है। देखा जाए तो डिहाइड्रेशन, फैटिक, लॉस ऑफ एपेटिट, मलाइज, क्रीमी स्किन, स्वेटिंग, फीवर, ये सब बहुत कॉमन है निमोनिया में। ये सारी प्रॉब्लम से लता मंगेशकर का शरीर अभी जूझ रहा है। बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना, शैलो ब्रीद करना और सांस लेने में दिक्कत आना, सांसें छूटना, अजीब तरह की प्रॉब्लम होती है निमोनिया में। कफिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दिल जो है बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, निमोनिया के ये सिम्टम्स हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कोविड के बाद निमोनिया बहुत कॉमन हो गया है आज की डेट में। कुछ रिपोर्ट्स कहती है रैपिड हार्ट बीट होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस, ये सब प्रॉब्लम होती है जिसके बाद निमोनिया होने की प्रॉब्लम बताई जाती है। तो ये जो है लता मंगेशकर को हो चुका है, सिर में दर्द, मसल और बॉडी में पेन, बेली में पेन, डायरिया, स्मेल और टेस्ट का कम हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं निमोनिया के। आपको बता दें कि चार स्टेजेस हैं। सवाल ये है कि कौन से स्टेज की निमोनिया से पीड़ित हैं लता मंगेशकर, क्योंकि स्टेज वन की बात की जाए तो इस फेज में लंग्स जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और इन्फेक्शियस फ्लूइड के कारण जो है एयर सैक्स एक्यूमुलेट हो जाता है। ऐसे में पहले स्टेज की इलाज है, दूसरे स्टेज में रेड हेपेटाइजेशन की रिपोर्ट कहती है, तीसरे स्टेज में ग्रे हेपेटाइजेशन और स्टेज फोर में रिजोल्यूशन होता है। और इसी वजह से चिंता करने की बात है, निमोनिया में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। शुरुआत इसका बॉडी के आपको बता दें अंदर तकलीफ, सीने में तकलीफ से होती है जो पहले भी लता मंगेशकर को होता रहा है। सीने की बीमारियां लता मंगेशकर को पहले भी रही है, इसी वजह से लता मंगेशकर का ऑक्सीजन सपोर्ट में रहने का जो मजबूरी है ये डॉक्टर ने उन्हें मजबूरन रखा है। ये आपको बताना चाहेंगे 92 साल की है लता, ऐसे में इस में उनका ट्रीटमेंट वाकई में हो जाना बहुत ही ज़्यादा तय नहीं बताया जा सकता क्योंकि पूरी तरह से अभी वो कमज़ोर पड़ी है। दुआएं कीजिए, भारत देश दुआएं कर रहा है बॉलीवुड की नाइटिंगेल वापस लौट आए ठीक होकर। तो बॉलीवुड से जुड़ी इस खास कार्यक्रम में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आपको बता चुकी हूँ लता की सेहत को लेकर आई खबर के बारे में। अब यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। फिर लौटेंगे आप सभी के बीच लेकर ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।